सुबह में 8:20 पर हम लोग ड्राइंग रूम में बैठकर चाय पी रहे थे वाइफ के साथ। उसी समय चूंकि मेरा गेट खुला रहता है तो एक बैग 10 व्यक्ति एक साथ घुसे और घुसते के साथ पहले मेरा मोबाइल कब्जा में कर लिए और कहे कि हम लोग सीबीआई से आए हैं। तो हम बोले कि भाई सीबीआई से आए हैं तो आप लोग उचक्का की तरह क्यों कर रहे हैं, आप पहले बैठिए बताइए कि आप क्यों आए हैं, क्या चाहते हैं, किस आधार पर है। तो एक आदमी निकाला कि भाई हमारा सर्च वारंट है, आपका पूरा घर हम जांचना चाहते हैं। बोले ठीक है, स्वागत है, बैठिए चाय पी रहे हैं, हम लोग चाय तो नहीं पियेंगे, आप हम लोग को कोऑपरेट कीजिए। और लगातार मैराथन, हमारा फॉल्स सीलिंग तक तोड़ दिया गया खोजने के लिए कि यहाँ पर रुपया है। और यह बताते हुए सीबीआई के ऊपर में हमें शर्म आता है कि मात्र 2,59,000 रुपया मेरे घर से बरामद हुआ, वो भी कौन रुपया, जो हमारी वाइफ 1 कैरेट प्लांट चलाती है उसका वो 1.5 लाख रुपया, और मैंने जो भी बच्चे का रिंग सेरेमनी किया जो उसको सगुन मिला वो 1 लाख रुपया नया नोट था। तो बोला कि नहीं, इससे कि हमको क्या लेना देना है। और इसको इतना कंफ्यूजिंग किया कि मुझको यही लगा पूरे 13 घंटा ये लोग मेरे साथ रहा, और केवल इसका एक ही उद्देश्य है, जो महागठबंधन की सरकार बनी है, जो नीतीश कुमार और हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी जो डिप्टी सीएम हुए हैं, यह किसी भी रूप से ये लोगों को, और फिर देखिए अनवरत ये लोग अभी करेगा, ये लोग पूरा परेशान है कि कहीं जा रहे हैं भाई, न पैसा मिल रहा है न कागज मिल रहा है, बिल्कुल पूरा सवाल जवाब किया गया। ये बोले कि भाई आप बताइए कि तेजस्वी जी का किससे किससे संबंध है। हम बोले कि भाई किसका किसका नाम ले, वो तो भाई पूरा बिहार का उनका संबंधी है, तो भाई लालू जी को के यहाँ कौन कौन जाता है। हम बोले कि भाई लालू जी के यहाँ तो अनवरत लोग जाते हैं, आपको अगर देखना है तो शाम को गेट पर देख लीजिए। तो भाई तरह तरह का नाना प्रकार का, जिसको इस जांच से सर कुछ जो इस केस से हम तो बता ही रहे हैं 2,59,640 रुपया फाइल कौन ले गया, बिस्कोमान का जो मीटिंग का जो एजेंडा होता है उसकी कॉपी ले गया, जो क्रिप्को से आता है वो ले गया, उसके अतिरिक्त जो मेरा कांति पैलेस अपार्टमेंट जो हमारा लिया हुआ है वर्ष 2002 का उसका डॉक्यूमेंट ले गया, जो भी हमारा एमएलसी के रूप में जो भी मेरा शो किया हुआ प्रॉपर्टी है उसका ये डॉक्यूमेंट का फोटो कॉपी ले गए। और ये तो भाई ओपन है, और इसके अतिरिक्त इनके पास कोई मामला नहीं है, पूरा परेशान थे, लगातार फोन कर रहे थे कि यहाँ रेड कीजिए वहाँ रेड कीजिए, जिस समय यहाँ रेड किए उसी समय मेरे बिस्कोमान में भी रेड किए, बिस्कोमान को भी पूरा खंगार गए, बोले कि भाई बताइए कहाँ से कैसे क्या होगा, कहाँ रुपया है क्या है। तो देखिए इनका एक ही उद्देश्य है कि किसी तरह से हम बिहार के डिप्टी सीएम को हम इसमें घेरा में लाएं, इसके अतिरिक्त कोई उद्देश्य नहीं है, इसके अतिरिक्त अरे क्या टॉर्चर, पहले ये पूरा मतलब जिस तरह से होता है कड़ा ढंग से पेश आना, हम बोले बोले पहले खबरदार जिंदगी में आप हमारा जांच नहीं कर सकते हैं, आप कोई हमको इस तरह से मत समझिए। फिर उसके बाद वो लोग लाइन पर आ गया, बोला कि आप हमको सारा डॉक्यूमेंट दिखाइए, हमको बताइए। हम बोले कि बताना आपको जो भी पूछना है आप हमसे लिखित पूछिए, आप हमसे लिखित पूछिए, हम मौखिक नहीं बताएंगे, आपको जो भी पूछना है 1, 2, 3 करके हमसे पूछिए। और देखिए इसके गिदर भभकी से हम डरने वाले नहीं है। देखिए अगला नंबर बिहार, मैंने कहा कि आप जिस तरह से कर रहे हैं आपको 2 लाख जगह रेड करना पड़ेगा। अब लालू जी के यहाँ कौन जाता है, तेजस्वी जी के यहाँ कौन जाता है, अगर इस आधार है अगर मॉनिटरिंग का और यह आधार है आपके रेड करने का, तो तकरीबन 2 लाख लोगों के यहाँ आपको रेड करना होगा। जो डीएसपी थे श्रीवास्तव साहब को मैंने उनको समझाया कि इस आधार पर कि आपको लाल राबड़ी देवी राखी बांधती, हम लोग बांधती है आज से बांधती, को नया बांधी है 15 साल से बांधती है, आपका लालू जी के यहाँ पारिवारिक संबंध है। हम बोले कि पारिवारिक से भी ऊपर मान लो वो संबंध है मेरा, और मेरा ही नहीं है, बिहार के ऐसे ऐसे लाखों कार्यकर्ता का है, जो संबंध मेरा है लालू जी के परिवार से वैसा लाखों लोगों का वहाँ पर संबंध है, कहाँ कहाँ रेड देते चलिए, झूठ मूठ आप भी परेशान है। वो बोले कि नहीं देखिए ये मामला, देखिए दबी जुआन से तो लोग बोल ही जाता है कि जो अभी गठबंधन हुआ है यह किसी भी मायने में भारतीय जनता पार्टी को रास नहीं आ रहा है, और किसी तरह यह चाहता है कि लोगों को हम गलत आरोप में कहीं न कहीं जेल में डाले। सुनील जी, क्या जमीन के बदले नौकरी देने के संबंधित भी कोई सवाल था?
जमीन के बदले नौकरी देने का जो मामला है उसे ये हम लोग से जानना चाहा, तो हम बोले कि भाई आप मेरे घर में जब रेड में आए हैं तो मेरे प्रॉपर्टी के बारे में पूछिए, मेरे यहाँ ये देखिए कि मेरे प्रॉपर्टी में कहीं राबड़ी देवी, लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव का नाम है कि नहीं, मेरा कोई बैंक अकाउंट वहां से रिलेट है कि नहीं। जो आप आए हैं कि करोड़ों रुपया आपके यहाँ कैश होता है तो देखिए आकर के हमारे यहाँ कितना रुपया पकड़ाया। अरे भाई आप तो पूरा खंगाल गए, ये तो मेरा इज्जत बर्बाद कर दी। अगर रेड में अगर रुपया नहीं पकड़ता तो मेरा बाहर में इज्जत बना रहता कि भाई कम से कम समृद्ध आदमी है, फटेहाल नहीं है, भिखमंगा नहीं है। आप तो महाराज मात्र 2,59,000 मैंने यहाँ से रिकवर करा के मेरा इज्जत आपने खराब कर दिया। जॉब मामले में ही पूछताछ थी जो छापेमारी थी। देखिए कोई इससे लेना देना इनको नहीं है, इनको मात्र एक चीज से लेना देना है, वो कि महागठबंधन का सरकार कैसे बना, इस चीज को ये लोग पचा नहीं पा रहा है। और कहीं ना कहीं से ये लोग तेजस्वी यादव जी को उसमें आरोपित करना चाहता है। 15 घंटे में 2,00,000 रुपए मिले। मेरे यहाँ से अगर कोई सेल डीड मिला तो हम तो उनको गिफ्ट करने के लिए तैयार हैं। अगर मेरे पत्नी के अतिरिक्त किसी का भी अगर सेल डीड मेरे यहाँ से मिला हो, वो भी अभी का नहीं 15 साल पूर्व का, अगर मेरा कोई FD भी है तो 20 साल पूर्व का, आज भी मेरे अकाउंट में जो रुपया है कोई आज का नहीं है, मेरे PPF अकाउंट में जो रुपया आज का नहीं है 25 साल पूर्व का है। तो देखिए आप कभी भी गलत आरोप में हमको नहीं फंसा सकते हैं। और ये लोग का जो मनसा था, जो CBI के पदाधिकारी, जो सबसे तेज तरार पदाधिकारी है, उनको सौंपा गया था कि देखिए ये जी आपको क्यों ये लग रहा है कि ये छापेमारी अभी नहीं रुकेगी और लोगों की यहाँ छापेमारी होगी? इन लोगों के बात से ऐसा लग रहा था कि लोग किसी तरह से ये लोग बाई में है कि गठबंधन हुआ कैसे, कैसे हम तेजस्वी यादव को किसी केस में फंसा दें, कैसे हम संजय यादव जी को किसी केस में फंसा दें, कैसे लालू यादव के जो समीप के लोग हैं उनको हम केस में फंसा के इन लोगों को परेशान करें। और देखिए इनका अरे भाई तो ये तो CBI को ना बताना चाहिए कि जहां आप बोले कि नोट गिनती करने के लिए आ रहा है, मशीन आ रहा है, पूरा हमारा फॉल्स सीलिंग तोड़ दिया गया, ये सब ऊपर में रुपया फॉल्स सीलिंग में भरा हुआ है, तो कहीं से तो मिलना चाहिए था। अरे भाई हमारे फॉल्स सीलिंग को लोगों ने तोड़ दिया, मशीन लाया, मशीन से मेटल डिटेक्टर से पूरा चेक किया कि कहाँ कहाँ है, फिर बोलने लगा कि अरे भाई आपका नाम इतना है, आपके यहाँ पता लगा कि आपके यहाँ 50 करोड़ है और आप रहते हैं 2 रूम के फ्लैट में। हमने की आज ही से नहीं रहते हैं, आपका लैपटॉप वगैरह? अरे भाई हमारा लैपटॉप बाहर कहाँ की ले जाई, मेरे बेटे का जो लैपटॉप है और कंप्यूटर है उसका हार्ड डिस्क ले गया। तो भाई अगर एजुकेशन की उनको जरूरत होगा MBA का, सारा चीज तो उसमें MBA का उसका भरा हुआ है, तो उसमें पढ़ते रहे बैठ कर। कितना हार्ड डिस्क ले गए हैं? 2 कंप्यूटर का हार्ड डिस्क ले गया, तो मैं तो बता ही रहा हूँ कि दोनों मेरे बेटा का है, जो हमारा MBA बेटा है उसी का वो लैपटॉप है। गुरुग्राम मॉल के बारे में कुछ पूछा? देखिए फालतू बात हम तो जानते भी नहीं, हम लोग तो 13 घंटा से इसी का जवाब दे रहे हैं। और मात्र फिर हम आपको बता रहे हैं, BJP का एक सूत्री कार्यक्रम है कि किसी तरह से हम तेजस्वी यादव जी को कोई केस में आरोपित करें, कहीं से को रिलेट करें, इसके अलावा इनका कोई उद्देश्य नहीं।